लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देश में फैले कोरोना संकट के चलते सोशल मीडिया पर एक ऑडियो क्लिप वायरल हो रही है। इस ऑडियो में सरकार के द्वारा बताए गए कोरोना संक्रमण के आंकड़ों को फर्जी और गलत बताया गया है। दरअसल इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ऑडियो वायरल हो रही है जिसमें एक डॉक्टर अपने किसी परिचित से बातचीत कर रहे हैं। जी हालत बहुत ज्यादा खराब है क्योंकि लोग समझ नहीं रहे उस बात को। नहीं नहीं यार, रोज का 20 बॉडी निकाल रहा हूँ कम से कम। मैं पिछले 11-12 दिन से तो अब 250 के आसपास बॉडी जा चुकी है कोरोना से पेशेंट की जो। हाँ लेकिन आंकड़े तो बहुत कम दिखाते हैं सर। अरे नहीं, तो सब बेवकूफ बना रहे हैं। डॉक्टर का कहना है कि वे सफदरगंज अस्पताल में कार्यरत हैं। इस ऑडियो में डॉक्टर के अनुसार कोरोना वायरस से मरने वाले लोगों के सही आंकड़े सरकार नहीं दिखा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि 24 मार्च को जिस दिन देश में लॉकडाउन लागू किया गया था उसी दिन हमारे अस्पताल में 32 लोगों की संक्रमण से मृत्यु हो गई थी। गवर्नमेंट तो आपको फिगर दिखाई नहीं रही है। 24 तारीख को जिस दिन जनता कर्फ्यू लगा था उस दिन 32 पेशेंट मर गया था। अच्छा जी, 24 मार्च को सफदरजंग से हमने 32 पेशेंट की बॉडी निकाली है। अब बड़ा सवाल ये है कि इस बातचीत में जो बातें कही गई हैं, अगर वह सभी सच हैं, तो देश में कोरोना संक्रमण भयावह रूप ले चुका है। गौरतलब है कि इससे पहले भी लॉकडाउन के पहले चरण के दौरान एक ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें कहा गया था कि लॉकडाउन की अवधि जून तक बढ़ाई जाएगी और यह बात लगभग सही भी साबित हुई है। उसी प्रकार अगर इस ऑडियो में भी सच्चाई है तो सारे कोरोना पेशेंट सब कोरोना पेशेंट थे। गवर्नमेंट जो आंकड़े दिखा रही है, गवर्नमेंट जो आंकड़े दिखा रही है वो तो अभी 2000 दिखा रही है, 3000 के आसपास। सर 2000 तो दिल्ली में निपट चुके हैं सर। अच्छा, वो सब बेवकूफ बना रहे हैं वो तो। डॉक्टर इन सब बातों का खुलासा क्यों नहीं करते? आखिर क्यों आम जनता से कोरोना वायरस की भयावहता छिपाई जा रही है? इस बातचीत में यहाँ तक कहा गया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुमान अनुसार WHO का एस्टीमेट 2.5 करोड़ का है 15 अगस्त तक। 2.5 करोड़ 2.5 करोड़ एस्टिमेशन है WHO का इंडिया से। ये डेथ का है सर या एक्टिव केसेस का? एक्टिव केसेस का किसको पता रहता है यार, एक्टिव केसेस का है। पता नहीं पब्लिक क्यों नहीं सुनना चाहती, हमें समझ नहीं आ रहा इतनी क्या आग लगी पड़ी है यार। ठीक है लेकिन ये जो WHO वाले जो कोरोना वर्ल्ड मीटर पे दिखाते हैं तो इसका मतलब आंकड़े गलत है वो? कौन ये जो आंकड़े दिखा रहे हैं अभी न्यूज वगैरह पे? गवर्नमेंट जो दिखा रही है वो तो सब फर्जी वाला है। फर्जी वाला वो तो सब फर्जी वाला यार। इतना सड़क पर लाखों आदमी निकाल दिया इन्होंने बेवकूफों ने। अगस्त तक भारत में कोरोना संक्रमण के करीब 2.5 करोड़ एक्टिव केस होंगे। डॉक्टर जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं वह आगे आकर देशवासियों को देश में कोरोना संक्रमण की गंभीर स्थिति के बारे में क्यों नहीं बता रहे हैं? अगर देश में संक्रमण से स्थिति इतनी खराब है फिर क्यों लोगों को घरों से बाहर निकलने की छूट दी गई है? आखिर सरकार संक्रमण से मृत्यु के आंकड़ों को देशवासियों से क्यों छुपा रही है? इस ऑडियो में कही गई बातों के बारे में हम आपको बता रहे हैं क्योंकि हमारा फर्ज है आपको कोरोना संक्रमण के प्रति जागरूक करना और अफवाहों से बचाना, लेकिन इस ऑडियो की सत्यता का मरुधर बुलेटिन प्रमाण नहीं देता है।